हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये एक रिव्यू भी है और साथ साथ मेरा मेकअप रिमूवल रूटीन भी है। ये मेकअप रिमूवल रूटीन जो है फॉलो कर रही हूँ आई थिंक फ्रॉम जनवरी एंड आई एम लविंग दिस बिकॉज टच वुड ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं। ये है सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर एंड सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड ये है ऑल स्किन टाइप के लिए और ये है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है एज यू गाइज नो। ऑयली को अगर एक साइड में रखे तो एक्ने प्रोन तो डेफिनेटली है, और अगर एक एक्ने आते हैं तो दो होते हैं, तीन होते हैं, बिकॉज उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मल्टीप्लाई होता है एवरी डे। अगर मैं अच्छे से मेकअप नहीं निकालती हूँ तो मुझे डेफिनेटली एक्ने आ जाते थे। बट अभी कुछ दिनों से आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस रीज़न से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, नवंबर से मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे थे और वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, पूरे फेस में भर गए थे। बट राइट नाउ आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, टच वुड, बिकॉज ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर एंड द DIY जो कि मैं घर पर करती हूँ। तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बट ये दोनों प्रोडक्ट मैंने कोलकाता में परचेस किए थे, नायका हॉल में शेयर किया था, और मैंने बोला था मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, बट मैं अपने टाइम पे शेयर करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है मेरे लिए या नहीं वर्क कर रहा है। मेरा 2-3 महीने मैं जज करने के बाद इसे आपके साथ शेयर करूँगी एंड राइट नाउ इट्स बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं अपना रिव्यू एकदम ऑनेस्ट वाला आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी जो स्किन थी वो उस पर इतने ज़्यादा बैक्टीरियल फंगल एक्ने हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी जो फेस है वो फुल ऑफ एक्ने थी और सारे के सारे डार्क स्पॉट्स थे। एज यू कैन सी अभी बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ने रिकवर कर लिया और अभी न्यू एक्ने भी नहीं होते। तो जब मैंने रीज़न पूछा था डॉक्टर से कि मेरी रीज़न क्या है मेरे एक्ने के आने की, तो उन्होंने मुझे बताया था बैक्टीरिया एंड फंगल, बिकॉज कोई गंदी चीज़ आपने फेस पर अप्लाई कर ली है इस वजह से। तो मैंने बहुत सोचा, तब मुझे समझ में आया कि यस, मैं मेकअप ब्रशेस जो है वो डेली क्लीन नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने एक मेकअप वीडियो आपके साथ अभी शूट किया है इसी गेटअप में, तो जैसे कि अभी मैं अपना मेकअप रिमूव कर ली ना, तो अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर भी क्लीन कर दूँगी, बट मैं ब्रशेस को कभी क्लीन नहीं करती थी, लाइक जिससे मैंने ब्लश अप्लाई किया हो, जिससे मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया हो। जैसे कि आप अपना फेस क्लीन करते हैं आफ्टर मेकअप, ब्यूटी ब्लेंडर मैं क्लीन करती हूँ बिकॉज लिटिल एक्सपेंसिव है ये, तो वैसे ही ब्रशेस भी क्लीन करना है डॉक्टर ने मुझे बोला है। तो ये रीज़न, जब से मैं ठीक करने लगी हूँ मेरे को एक्ने वगैरह तो कम आने लगे हैं, बट यस, ये जो दो प्रोडक्ट है ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंड मैंने कई लोगों को इसे रिकमेंड भी किया था और उन लोगों ने मुझे मैसेज में बोला भी है कि उनको ये सीरियसली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो यस, मैं चाहती हूँ और भी लोगों के लिए वर्क करें। तो चलिए रिव्यू और ये क्या है और मैं कैसे यूज़ करती हूँ सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी हैवी मेकअप किया है, तो आज मेरा मेकअप रिमूवल रूटीन दिखाना वर्थ भी है। तो सबसे पहले ना लैशेस को हटा देना चाहिए एंड देन लेंस को रिमूव करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेंस एकदम एंड में रिमूव करना होता है, नहीं, आपका पानी लगने के पहले ही आपको लेंस हटाना है। लेंस डायरेक्ट अभी मैं ना ये जो ऑयली स्किन क्लेंजर है सेटाफिल का, मैं इसे डायरेक्ट यूज़ करूँगी। ये इतना ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है गाइज, ये मैं सच बता रही हूँ। मैं अब कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम भी बहुत कम कर देता है। अगर मैं कोई मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ तो आई हैव टू रिमूव माई मेकअप एंड देन आई हैव टू फेस वॉश माई फेस, तो अभी क्या है ये 2-in-1 step मेरे लिए वर्क करता है। बट येस, जस्ट टू मेक श्योर, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे लैशेज़ पे बहुत सारे अभी ग्लू हैं, तो मेक श्योर करने के लिए मैं डबल क्लेंस कर रही हूँ। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, दैट इज़ नॉट, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है कि ओ हो बहुत एक्स्ट्रा स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही आपका काफ़ी कुछ अच्छा से क्लीन कर दे रहा है एंड कैन यू सी दिस, ये ग्लो जस्ट विद दिस फेस वॉश एंड दिस इज़ रियली लवली, और मैं इसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये मॉइस्चराइजिंग लोशन फ्रॉम सेटाफिल, तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होगी, बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट आपको चाहिए होगी, और ये फुल आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक जाता है, क्लीन अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को। तो मैं अक्सर अपना मेकअप रिमूव करती हूँ अराउंड 5 o'clock, तो मेरे लिए अच्छा ही है बिकॉज मुझे रात में एक बार और स्किन केयर करना ही है, तो मैं तब डर्मेटोलॉजिस्ट वाला फॉलो करती हूँ। बट येस, और ये जो सेटाफिल वाला जो
मेरा स्किन केयर रूटीन है, ये जस्ट मैं आफ्टर मेकअप रिमूविंग ही करती हूँ, तो ये मेरा तभी होता है। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है ना, ये 100 ml का है, इसकी प्राइस है 375 rupees, बट डिस्काउंट में डेफिनेटली मिल जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी पैकेजिंग है, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट आपके पूरे फेस के लिए बहुत इनफ है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। ये लोशन है तो ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया वर्क करेगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है। ये ऑयली स्किन क्लेंजर है, ये 125 ml का है और इसकी प्राइस है 427। हाँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा महंगा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये लास्ट करता है, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये अच्छे ब्रांड के, और ये ना एक जेल लाइक क्लेंजर है, ये बहुत ही बढ़िया फोम बहुत कम करता है, बट ये मेक श्योर करता है कि सारे मेकअप निकल जाए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन होना कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक।